शंभु न छूटा मृग कृष्णा ने यूं भटकाया। प्रभु तो तुझ तक चल कर आए, तू ही उन तक पहुंच न पा। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े योद्धाओं और बड़े बड़े शूरवीरों को कितनी ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए युद्ध में हारना बड़ी बात नहीं है, किंतु हिम्मत हारना बहुत बड़ी बात है। एक बार युद्ध में हारने के बाद दोबारा विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु हिम्मत हारने के बाद मनुष्य कहीं का नहीं रहता। मित्र कहीं का नहीं रहता। वास्तव में एक योद्धा उस दिन हारता है जिस दिन वो अपनी हार मन से स्वीकार कर लेता है। मित्र, मन से। और जीतना प्रारब्ध के हाथ में है। कभी भाग्य साथ नहीं देता तो कभी काल विपरीत होता है। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रारब्ध कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी तरह
बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। प्रारब्ध और भाग्य मनुष्य के अधिकार में नहीं है। परंतु मनुष्य का कर्म और उस कर्म के दृढ़ संकल्प होना मनुष्य के अधिकार में अवश्य है। जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाता है वो वीर नहीं होता। यदि वीर के मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो वो 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीत सकता है। दुर्भाग्य आए तो कायरों की तरह डर कर उससे भागे नहीं, बल्कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए डट कर कर्म करे, यही वीरता का चिन्ह है। इसलिए आप जैसे परम वीर को इस प्रकार दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और फिर यह युद्ध कहां था? यह तो माया का एक भ्रम जाल था। यह कृष्ण कोई मायावी विद्या जानता है। हमें भी अपने साथ कुछ मायावी शक्तियां रखनी चाहिए जो उसकी माया को निष्फल कर दे और उसका प्रबंध भी हो सकता है। हम सब आपके साथ हैं और हम ये वचन देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इससे भी अधिक सेना एकत्रित करके फिर से आपके झंडे के नीचे इकट्ठा होकर उन यदुवंशियों से आपके अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अपमान, घोर अपमान, अपमानित हुआ हूं मैं रुक्मी, अपमानित हुआ हूं मैं। अपमान की चोट को सहना बहुत कठिन है, हार को सहना आसान है, किंतु अपमान को सहना आसान नहीं है, नहीं है। आज वो युद्ध में यदि प्राण ले लेते तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे वीर गति प्राप्त होती। परंतु अपमान की ठोकर मारकर जो उन्होंने मुझे जीता छोड़ दिया, उसकी ज्वाला में मेरी अंतरात्मा इस प्रकार जल रही है रुक्मी, कि जीने को मन नहीं करता रुक्मी, मन नहीं करता। उन्होंने अपने अहंकार के कारण तुम्हें जीवित छोड़ा है मित्र, अपने अहंकार के कारण, यही उनके दुर्भाग्य की निशानी है। और उनका यही दुर्भाग्य हमारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा, सौभाग्य। तुम हमारे सम्राट हो मित्र, अगर आज तुम ही ना होते तो हम सब बिखर गए होते मित्र, बिखर गए होते। भाग्य ने तुम्हें इसलिए जीवित छोड़ा है मित्र कि तुम्हारे नेतृत्व में हम उन अहंकारी यदुवंशियों का समूल नाश कर दें। इसलिए हिम्मत मत हारो मित्र, तुम्हारे हृदय में इस समय जो प्रतिशोध की आग धधक रही है
उसकी ज्वाला को शांत मत होने दो मित्र, शांत मत होने दो, उसे और भड़कने दो, और भड़कने दो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि अपने हृदय में भड़कती हुई इस प्रतिशोध की ज्वाला को तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक कृष्ण और उसकी समस्त यादव जाति का नाश न कर दूं, नाश न कर दूं। छाड़ा के ढोल ढमकाओ, बजाओ नगाड़ा।
तुम्हारे नाम पे खाने वाले सौ सौ तीर 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 मथुरा के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि विजय सदा धर्म की होती है और धर्म का आधार है सत्य। मैं इसीलिए सदा कहता आया हूं कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भूल जो हमने की कि इस धर्म युद्ध में मथुरा वालों का साथ न देकर उनके शत्रुओं की सहायता की, उसका परिणाम यह है कि आज हम मथुरा को मुंह नहीं दिखा सकते। राजश्री, हमने तो जरासंध की कोई सहायता भी नहीं की, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र, सत्य के तराजू में मनुष्य की नीयत तौली जाती है, ना कि उसके शारीरिक कर्म। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए और फिर बताइए कि यादवों की सहायता ना करने में आपकी असली नीयत क्या थी। क्या आप नहीं चाहते थे कि यादव हार जाएं? क्या आपके अंदर में यह विचार नहीं था कि यादवों के हारने से पांडव कुमारों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं रहेगा? फिर आप जब चाहें बेखटके अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर सकेंगे। हमने तो युवराज के बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया। तातश्री, वो निर्णय तो हम आप सबका मत जानकर ही करेंगे। महाराज, लोभ और मोह दोनों में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य के विवेक को इस प्रकार निर्बल कर देते हैं कि उसे अधर्म का मार्ग ही सत्य दिखाई देने लगता है। हस्तिनापुर राज्य का सेवक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है महाराज कि मैं आपको वही परामर्श दूं जिसमें इस राज्य का और राज्य परिवार का हित हो। महाराज, मेरे विचार में वो समय आ गया है कि कुरुवंश की मर्यादा के अनुसार आप राजवंश के सबसे ज्येष्ठ राजकुमार कुंती पुत्र युधिष्ठिर को अपना युवराज घोषित कर दें। परंतु हमने तो इस बारे में भी कभी इनकार नहीं किया
इनकार नहीं किया परंतु इसका निर्णय भी नहीं लिया। जब भी आपसे इस विषय में बात हुई है आप किसी न किसी बहाने उसे टाल गए हैं। अब टालने का समय नहीं रहा। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने वाली है। वे गुरुकुल से राजधानी में आएंगे तो प्रजा के मन में यह आशा रहेगी कि उनका भावी राजा कौन होगा। और इससे मथुरा वालों की सहायता न करने से प्रजा के मन में आपके प्रति थोड़ा रोष भी है। उस अपयश को धोने का भी यही अवसर है। आज इस विषय में आपने मेरा मत जानने के लिए मुझे यहां बुलाया है। सो इस विषय में मेरा परामर्श यही है कि इससे पहले की बात बढ़ जाए उचित यही है कि कुमार युधिष्ठिर को आप अपना युवराज बनाने की घोषणा कर दें। कदापि नहीं, यह अन्याय है। किसके प्रति अन्याय है? दुर्योधन के प्रति। यह दुर्योधन के प्रति घोर अन्याय है जीजाश्री। हाँ नहीं, ये अन्याय नहीं, दुर्भाग्य है। दुर्योधन का दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, महाराज का दुर्भाग्य है कि हमारे पुत्र का जन्म बाद में हुआ, परंतु न्याय युधिष्ठिर के साथ है। राज्य पर अधिकार बड़े का ही होता है और ये सत्य है कि युधिष्ठिर बड़ा है, दुर्योधन छोटा है। कदापि नहीं, यह अन्याय है। किसके प्रति अन्याय है? दुर्योधन के प्रति। यह दुर्योधन के प्रति घोर अन्याय है जीजाश्री। हाँ नहीं, यह अन्याय नहीं, दुर्भाग्य है। दुर्योधन का दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, महाराज का दुर्भाग्य है कि हमारे पुत्र का जन्म बाद में हुआ, परंतु न्याय युधिष्ठिर के साथ है। राज्य पर अधिकार बड़े का ही होता है और यह सत्य है कि युधिष्ठिर बड़ा है, दुर्योधन छोटा है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि दुर्योधन छोटा है। अरे बहना, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर भी मेरी युक्ति आपकी समझ में क्यों नहीं आती? हाँ, ये ठीक है कि राज्य पर अधिकार बड़े पुत्र का होता है, परंतु किसके बड़े पुत्र का? राजा के बड़े पुत्र का। और राजा कौन है, बोलिए, राजा कौन है? वास्तव में यह राज्य शुरू से ही आपका था, आप बड़े थे, परंतु नयनहीन होने के कारण यह राज्य आपके छोटे भाई को दे दिया गया। यह पहला अन्याय था। चलो, हमने उसे भी सह लिया और पांडु हस्तिनापुर के राजा बन गए। कुछ समय उन्होंने राज्य किया और उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र को नहीं बल्कि आपको राजा बनाया गया था जीजाश्री, आपको। और अब आप राजा हैं। हाँ। नहीं भैया, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें राजा नहीं बनाया गया। उनकी मृत्यु से पहले महाराज पांडु जब किसी कारणवश वन में प्रायश्चित और तपस्या करने गए, तब उन्होंने अपना राज्य इन्हें धरोहर के रूप में यह कहकर सौंपा गया कि वो वन से लौटने पर अपना राज्य वापस ले लेंगे। इसीलिए राज्य अब तक इनके पास केवल धरोहर के रूप में है भैया। महाराज, भैया का ये सब कहना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय उनकी बुद्धि अपनी अभागी बहन
और पांचों के मुंह से ऐसी आच्छादित हो गई है कि उन्हें न्याय अन्याय धर्म और अधर्म का विवेक नहीं रहा। परंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप न्याय और धर्म का साथ छोड़कर आप यश और पाप के भागी ना बने। और जैसा तातश्री ने कहा है वैसा ही करें, क्योंकि अधर्म अन्याय का परिणाम केवल विनाश ही होगा, इस कुल का विनाश होगा, इस कुल का नाश होगा, तो आपकी संतान भी नहीं बचेगी महाराज। सो महाराज, इस कुल को विनाश से बचाइए, मेरी संतान को विनाश से बचाइए महाराज। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु इस राज्यसभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि बल और कौशल में एक समान हैं।
अंतर है तो केवल एक, एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर्व राजा की संतान। यहां बैठे बहुत से लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है। हाँ, राजकुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज। हम सबका मत यह है महाराज, किसी भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। मेरा भी यही मत है महाराज। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है, इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे। भाभी, आपको बधाई हो। आज महाराज ने दरबार में घोषणा कर दी है कि हस्तिनापुर का भावी राजा पांडुपुत्र युधिष्ठिर होगा। उन्होंने कुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया है। सच? आप सच कह रहे हैं विदुर भैया? हाँ भाभी, सारी प्रजा का दबाव इतना था कि मन से ना चाहते हुए भी वो ऐसा करने पर विवश हो गए। नहीं विदुर भैया, ये प्रजा के दबाव से नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस अभागन पर हो गई है। वही इस प्रकार पत्थर में से अमृत निकाल सकते हैं। हे प्रभु, मैं आप ही के सहारे हूं। इस दासी पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। हे
बधाई हो प्रभु, बधाई हो, बधाई हो प्रभु। कैसी बधाई अक्रूर जी? सूचना मिली है कि महाराज धृतराष्ट्र ने कल हस्तिनापुर की राज्यसभा में कुंती पुत्र कुमार युधिष्ठिर को युवराज पद प्रदान करने की घोषणा कर दी। वाह, कितना सुंदर समाचार है। इसके लिए तो वास्तव में महाराज धृतराष्ट्र ही बधाई के पात्र हैं। महाराज धृतराष्ट्र? हाँ। यह आपने कैसे कह दिया प्रभु? आप तो जानते हैं उनकी नियत, उनकी कुटिलता। ऐसे मनुष्य की प्रशंसा करते हैं आप? अक्रूर जी, जो धर्म के अनुसार कार्य करेगा, जो न्याय के मार्ग पर चलेगा, उसकी तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। भगवान, ये न्याय और धर्म तो केवल एक ढकोसला है। उनको आप भूल गए? जब सहायता के लिए मैं उनके पास गया था तो कितनी कुटिलता से उन्होंने हमें टाल दिया था। उनकी नियत खरी नहीं है। राज्य